कई बार सही समय पर बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाता। अब ऐसे में मनपा हर इलाके में पहुंचकर टीकाकरण अभियान चलाएगी। मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलुकर ने महान्यूज 7 से बातचीत के दौरान कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। वंचित बच्चों की सूची तैयार करें, उनका अगले महीने से टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही हाई रिस्क एरिया में जाकर टीकाकरण के प्रति जागरूकता निर्माण करने की जरूरत है, ऐसा भी उन्होंने कहा। टीकाकरण करना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य इसमें है कि एक भी बालक नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित न रहे। इसलिए हमने ऐसा शेड्यूल किया है कि हमारे जो आउटरीच सेशन जो है, जैसे कि हमारी UPSC 151 UPSC और कुछ 36 HWCs है, तो वहाँ की जो कुछ भी ANM रहेगी वो उसके अलॉटेड एरिया है वहाँ पे जाएंगी और मंथली शेड्यूल के हिसाब से आउटरीच सेशन के द्वारा जितने भी बच्चे को टीका लगाना है उसको लगाएंगे। अब टीके में देखा जाए तो जैसे जन्म के वक्त अपन BCG देते हैं, हेपेटाइटिस बी 0 देते हैं, पोलियो देते हैं और 1.5 महीने से पेंटावेलेंट 1, 2.5 महीने पेंटावेलेंट 2, 3.5 महीने पेंटावेलेंट 3 एंड 90 महीने तक mRNA मीजल्स रूबेला का अपन वैक्सीनेशन देते हैं। तो इस हिसाब से जो लस हमको देना है हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हमारी ANM आउटरीच सेशन और UPSC में देती है। इतना होने के बावजूद भी क्या होता है कि शेड्यूल टाइम में कुछ बच्चे छूट जाते हैं। अभी छूटने वाले बच्चे कौन से हैं? एक तो उस टाइम में वो बच्चा घर में नहीं होगा, कुछ शादी के लिए बाहर गया होगा या बीमार होगा, एक है। दूसरे जो छोटे बच्चे रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर्स हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी छूट जाते हैं। कुछ रेलवे अपने स्टेशन से उसके आजू बाजू में रहते हैं वहाँ के बच्चे छूट जाते हैं, कुछ बेघर हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ऐसे लिए महानगर पालिका ने क्या किया, एक वैन है हमारे पास में जोन जोन के पास में, तो वो ऐसे एरियाज हमारा आइडेंटिफाइड रहता है और वो आइडेंटिफाइड रहने के बाद में हर महीने के लास्ट वीक में हमारी वैन वहाँ पर जाती है और ये बच्चों को टीकाकरण कर देती है। तो इसमें ये बच्चे भी कवर होते हैं और जो अपने रेगुलर बच्चे अगर छूट भी जाते हैं तो फिर से हम उसको UPSC में टेलीफोनिक से आशा द्वारा उसको बुलाते हैं और पूरा इंजेक्शन या टीकाकरण उसका कंप्लीट करते हैं। तो हमारा उद्देश्य वही है कि अपने नागपुर महानगर पालिका में कोई भी बच्चा जो है वो टीकाकरण से वंचित ना हो। अभी तो रेनी सीजन नहीं आया है, अभी तो मई का महीना ही चालू है, तो टेम्परेचर मोस्टली 40 डिग्री के अबव ही रहेगा। तो ऐसे वक्त में हम ये सलाह देते हैं कि दोपहर को 12 से 3 बजे के वक्त में ज़्यादातर धूप में न निकले, यानी बाहर न निकले। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट कार्य है तो उस वक्त में दुपट्टे बांध के रखिए। इस मौसम में आप ज़्यादातर पानी पीजिए, लिक्विड ज़्यादातर लीजिए, ORS लीजिए इस हिसाब से। और इन केस आपको हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक हो भी जाता है तो अपने मनपा दवा करने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पे भी हमने कोल्ड वार की व्यवस्था की है जहाँ पे हम पेशेंट एडमिट करते हैं उनको अच्छा कर देते हैं। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ पारस बैसवारी, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।